FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में आपका मेजबान नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है और सबको खुश आमदीद कहते हैं। FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें न सिर्फ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन से मुतालिक मालूमात शेयर करते हैं बल्कि कुछ बैन अल-अक़वामी अहम खबरों पर तबसरे और तज्जिये भी पेश किए जाते हैं। खुश आमदीद कहेंगे हम, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, हमारा वक्त खासा हमने आज जाया कर दिया, थोड़ा सा कुछ तकनीकी वजूहत की बिना पर कुछ गड़बड़ हो गई। बहरहाल प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और आगे सर हम अक्सर बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो एक कहना चाहिए कि कोई मौका ऐसा नहीं जाने देता कि किसी तरह से चीन की ये जो बढ़ती हुई तरक्की है उसको स्लो डाउन कर सके या उसे रोक सके, उसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता आ रहा है। अभी जब नई इंतजामिया आई है तो यही कहा जा रहा था कि इससे शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो उनकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट 2021 जो है उसको सपोर्ट कर रही है जिसमें कि खास तौर पे चीन से मुतालिक बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान हम देखते हैं कि माजी में एक मुखासमत का वो सबब रही है, चाहे वो इंसानी हकूक हैं। कुछ थोड़ा सा बताइए कि ये एक तो बिल क्या है और ये आखिर वही अगर पुराना पुराना वाला मामला लेके चलना तो फिर नई इंतजामिया से उम्मीदें कहाँ स्टैंड करती हैं? देखिए इसमें सूरत हाल ये है कि जो पुरानी इंतजामिया जिन चीजों को बगैर कानून कवर के कह रही थी ना चीन के खिलाफ कि चीन को रोकना है, अब इन्होंने जो बिल की सूरत आई है उसमें उसको कानूनी कवर देने की कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि अभी सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी में गया और सेनेट में आपको पता है कि वहां पे जो है डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन जरा थोड़ा सा एज रखते हैं और माइनर से एज के साथ ये दोनों वहां मौजूद हैं। तो फॉरेन रिलेशन कमेटी में जो ये बिल आया है, इस बिल के अगर आप ये देखें कि इसका जो फोकस, जैसे सबका इंतजामिया ट्रंप इंतजामिया चीन को रोकने के लिए इकदाम करती थी या जो बयान देती थी, अब उन चारों को 280 सफात के इस बिल में उन्होंने सम अप कर दिया। इसमें चार बेसिक एलिमेंट है जिनका मैं ब्रीफली जिक्र करता हूँ, फिर इसके हम उस पर तजिया कर लेते हैं। एक तो यह कि जो बैरुल लेंद और बैरुल काहिल में जो इंडो पैसिफिक का जो अलायंस बना है क्वाड, यानी चार मालिक जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो इस पूरे इस जो ये जो समुद्री पट्टी है इस पे कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने एक तो इसमें खातिर खा रकम रखी है, 1 अरब जो डॉलर वो मुख्तस किए जाएंगे अगर ये बिल पास हो जाता। अभी तो ये एक कमेटी में हुआ ना, सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी में, सेनेट पास करेगी फिर ये हमारे नुमाइंदगान में जाएगा और इस तरह एक प्रोसेस होगा। लेकिन कम से कम जो ये बिल इसकी स्पिरिट से लग ही रहा है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि फिर नई इंतजामिया का क्या फर्क है, तो लग ही रहा है कि इस बिल को पास करने से यानी कमेटी की तरफ से इस बिल को क्लियर होने का मकसद ये है कि बाइडेन इंतजामिया अगर चाहे या ना चाहे चीन के खिलाफ सख्त रवैया रखना, ये इसके तहत अंडर दबाव में रहेगी 4 साल। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी रकम रखी जाएगी, दूसरा ये है कि चीन के अंदरूनी मामलात पे, तीसरा इक्तसादी सिक्योरिटी के साथ इसको जोड़ा है, चौथा नजरियाती जंग। अब इन चारों पे हम बात करते हैं, लेकिन इसका जो जो आपने सवाल किया बुनियादी उसमें ये कि इस वक्त बाइडेन इंतजामिया चीन के साथ क्लाइमेट चेंज और कोविड के हवाले से बड़ी गुर्बत के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, अमरीकी सदर ने बुलाई, चीनी सदर भी उसमें मौजूद थे और वहां पे इन्होंने अपने अपने तरजीहात और पूरे जो टारगेट्स हैं वो दिए हैं, जहां एक ताउन की बात है। लेकिन इन इश्यूज पे इस बिल के आने से लग ही रहा है कि एक मुसलसल 4 साल लगे उसी दबाव का शिकार रहेंगे, क्योंकि अगर आप अमरीका की अंदरूनी सियासत का जिक्र करें तो उसमें आपको नजर आएगा कि अंदरूनी सियासत में अभी भी रिपब्लिकन जो है बड़ी तेजी से उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो पहले था, और वो अंदरूनी दबाव अब इनको यानी बर्दाश्त करना पड़ रहा है डेमोक्रेट्स को। खुद भी डेमोक्रेट्स में कोई ये नहीं है कि कोई वो प्रो कोई रवैया रखते हैं, लेकिन ये कि कम से कम वो कुछ एरियाज में मिलकर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का बिल आएगा, मसल वो कहते हैं जी 1 अरब डॉलर जो है वो हम रख रहे हैं, उसमें क्या करना है, चीन का चीन मुखालिफ जो अलायंस बना है इंडो पैसिफिक में वहां अपने इत्तेहादियों को देंगे वो ये पैसा, ताकि वो वहां पे अमेरिका की जो यानी
तोसी पसंदाना एक सोच है, ये जो इस पट्टी पर कंट्रोल करने की सोच है। हालांकि नेचुरली देखा जाए तो चीन इस रूट पर नेचुरली मौजूद है, लेकिन ये बाहर से आने वाली ताकत का आपने कंट्रोल उस पर देना है, तो वो $1 अरब इस पर खर्च करें। अब इससे अंदाजा लगा लें कि वो क्या कुछ नहीं करेंगे वहां। अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए, अगर ये एक पॉइंट के तौर पे अगर $1 अरब वहां दिए जा रहे हैं, तो ये मवाली वहां क्या करेंगे वहां पे चीन के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए? कोई ना कोई लोकल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ और चीजें होंगी। फिर दूसरा अहम जो इसमें नुकता है इस बिल में, उसमें उन्होंने कहा गया कि चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखला जो है वो फोकस रहेगा, और उसमें $1 करोड़ अथोराइज किया गया है जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अमेरिका की, स्टेट डिपार्टमेंट, वजारत खारजा है, स्टेट डिपार्टमेंट, वो स्टेट डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट। तो अब वो उसमें मुख्तलिफ डेमोक्रेसी के नाम पे किसी भी प्रोजेक्ट में वो हांगकांग में पैसा लगाएंगे, नहीं जो उनका मॉडल है डेमोक्रेसी का उसको प्रवान चढ़ाएंगे, या हांगकांग में जो वहां अभी भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको हवा देंगे, क्योंकि वहां पे चूंकि एक मुल्क दो निजाम वहां राइज है, तो वहां कोशिश करेंगे चीन को ज्यादा से ज्यादा एम्बेरस करने की कोशिश करें और डेमोक्रेसी के नाम पे उसको करें। इसी तरह आप ताइवान को ले लें, अब ये पैसा ताइवान के दिफा पे खर्च होगा, हालांकि ताइवान भी चीन का हिस्सा जो चीन के साथ है, क्योंकि जो भी वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान समेत दुनिया के जितने भी मालिक भी चीन के साथ ताल्लुकात रखते हैं वो ये साइन करते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका ने भी। लेकिन अब उन्होंने इस बिल में खास तौर पे कहा जी ताइवान के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर तिब्बत के मसले को भी उठा दिया है कि वहां पे भी हम उस मसले को भी उछाला जाए, पॉलिटिकली उसके बारे में रिपोर्ट्स जिस तरह की जारी करते हैं वो जारी की जाए, और सिंकियांग तो जा रहे हैं इनका बड़ा एक डार्लिंग सब्जेक्ट है उसको भी वो अच्छा। वहां पे सारे जो चीजें कोइन कर रहे हैं वो ये कोइन कर रहे हैं इंसानी हकूक जी और नस्ल कुशी। मेरा डॉक्टर साहब मेरा यही पॉइंट था कि अभी देखिए, अभी यहाँ हमारे इसी खित्ते की बात है कि अफगानिस्तान जो है 20 साल के बाद आप वहां से वाइंड अप करके आपको जाना पड़ रहा है और वो मकसद आप हासिल नहीं कर सके हैं। अभी इस बिल में जिस शिक का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस हिस्से का, उसमें कोट अनकोट यूनिवर्सल वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स मेजर्स इन्होंने जो कहा है, यही हमने लीबिया में देखा है, यही इराक में देखा, यही करने ये शाम में गए थे रिजीम चेंज करने, तो क्या इसका मतलब फिर अमरीका ने माजी से भी कुछ सबक नहीं सीखा? कोई सबक नहीं। देखे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो की सिचुएशन है, अगर थोड़ा सा इसको अगर साइंटिफिकली देखें, इसको और ग्लोबल एंगल से देखें ना, ग्लोबल जो हेल्थ गवर्नेंस के एंगल से, तो ये मसला खत्म नहीं हो गया, यहाँ पे स्टॉप नहीं हो गया। अब ये मुख्तलिफ तरीके से जाएगा, इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करेगा। अब तो नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसमें कि ग्लोबली इकट्ठे होने की बात है। अब तीसरा जो पॉइंट जो ट्रंप के जमाने से चली आ रही थी, इक्तसादी और ट्रेड के रिलेशन में जो रखना चल रहा था, अब उसको वहां लीगल कवर कर इसी बिल के तहत ना, ये जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट है उसके तहत वो करें कि इसको सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाएगा, और अमेरिका की जो कंपनी है वो और जो चीन की कंपनी अमेरिका में काम कर रही है उन सबके ऊपर एक टाइट कंट्रोल होगा, यानी पैरोनी सरमाकारी की जो वहां उनकी कमेटी है, ये उसकी फॉरन इन्वेस्टमेंट कमेटी, वो उसको ये इख्तियार दिया जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है कि वो चीन की कंपनियों पे टेक्नोलॉजी कंपनियों पे नजर रखें, फिर ताकि जो ना बकौल उनके अमेरिका के मफादात को फायदा पहुंचाया जा सके, नुकसान होने से बचाया जाए। फिर अमेरिका की जो मंडी है वहां पे बहुत सारी चीनी कंपनियों की बरामदात हैं, चीनी कंपनियां वहां काम कर रही हैं, उनके कारोबारी चीजें हैं, वो उन पे नजर रखेंगे, और वो चाहते हैं कि चीन को बैन अवी मीशत में, उन्होंने एक तस्वर दिया है दुनिया में कि चीन जहां भी सरमाकारी करता है या अपनी मीशत किसी की मीशत में जब वो ताउन की बात करता है तो वो उसको शक की नजर से देखते हैं कि कहीं ये शिकारी तो नहीं करता चीन, यानी प्रीडेटरी किस्म का ना वो रवैया वो चीन के साथ मंसूब कर रहे हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें कि ये कैसे तरक्की के लिए एड देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीन कैसे करता है, तो इसका कंपैरिजन भी खुद बता देगा कि वो हम नसीब माशरे की बात करते हैं, वो यानी BRI के जरिए तमाम खित्तों को मुल्कों को जोड़ के रखना चाहते हैं और ये पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, तो ये एक तीसरा पॉइंट। और चौथा जो पॉइंट है वो बिल के अंदर वो वही इनकी पुरानी जंग जो थी ना कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ के नजरिए की बुनियाद पर। देखें बात ये कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन ये है कि आप किसी दूसरे मुल्क के साथ जब रिलेशन करते हैं तो आप ये नहीं देखते वहां पर कौन सा मजहब है, कौन सी सियासी जमात है, कौन सा सियासी निजाम है, आप रिलेशन होते हैं कंट्री टू कंट्री, नजरियाती रिलेशन नहीं होते।
अब वो वही यहाँ कलर दे रहे हैं, नजरियाती रिलेशन दे रहे हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो असर पड़ रहा है बकौल उनके, क्योंकि वहां की तरक्की में या चीन की जो इस वक्त पूरी दुनिया में तरक्की हो रही है उसमें बड़ा वाजे तौर पर ये तजिया आ चुका है कि कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल जो है वो बड़े अहम है और कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क को यकजा करने और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए, हमने कहीं नहीं सुना कि चीन ने कभी कहा कि जनाब हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने निजाम को कम्युनिस्ट कर लें या सोशलिस्ट पार्टियों को पैसे देना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोशलिज्म के फरोग के लिए वो पैसे दे रहे हैं मुल्कों को। आप तो किसी भी मुल्क में अमरीकी तर्ज की जमहूरियत लाने के लिए जरूर पैसे देते हैं, डेमोक्रेसी फंड है और बाकी चीजें हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी को एक वन फिट फॉर ऑल तो नहीं होता ना, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। फिर जो बिल है नजरियाती, इसमें उन्होंने खास तौर पे, अब देखे ना जब तहकीक हो रही थी, रिसर्च हो रही होती, रिसर्च पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, रिसर्च यूनिवर्सल होती है, ग्लोबल होती है, जो हकायक इसमें सामने आते हैं वो पूरी दुनिया के लिए होते हैं। अब अमरीकी यूनिवर्सिटियां जो चीनी यूनिवर्सिटियों के साथ काम कर रही है या जहाँ चीनी माहिरीन काम कर रहे हैं या जहाँ पे चीनी स्टूडेंट आके जिन यूनिवर्सिटी में दाखिले ले रहे हैं, उनको भी कहा गया है कि उन पर भी नजर रखी जाए कि वो अपने नजरियात तो नहीं फैला रहे। तो ये इस किस्म की जो जैसे सरजंग रूस के खिलाफ थी ना, कम्युनिज्म के खिलाफ, आपको याद होगा वो भी सरजंग इसी नुकता नजर पे थी कि कम्युनिज्म आ रहा है, सोशलिज्म आ रहा है, उसको रोकना है। और ये दहाइयां निकल गया, ये वाला जो नजरिया या ये जो एक फिनोमेना था, ये दहाइयां निकल गया और एक पूरी नस्ल को इसने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल 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 यही बात है। तो अभी जो इस बिल में बड़े बड़े जॉर्गन रखे हैं, मतलब इंसानी हकूक का उन्होंने सबसे बड़ा लेंस इस्तेमाल किया है, फिर उस पे राइट्स की बात को लेंस इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप ये देखें 9/11 के बाद खुद अमेरिका के अपने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स कंप्रोमाइज हो गए, ये हम नहीं कह रहे, खुद वहां के अमरीका के जो थिंक टैंक्स हैं, खुद वहां की पार्लियामेंट में जो नुमाया लोग हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपने तो 9/11 के बाद सारी चीजें डीरेल करती हैं, कहां के फर्स्ट अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सबको लिबर्टीज थी, अब वो लिबर्टीज कहां चली गई। तो ह्यूमन राइट्स का अपना रिकॉर्ड उनका भी क्या है, फिर डेमोक्रेसीज के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात मैं देख रहा था कि जो इस पे चीनी वजीर खारजा का जो तबसरा है वो बड़ा दिलचस्प है, बहुत अच्छा। जी जी जी, वो आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा जी कि ये कोका कोला नहीं है जमहूरियत, कि आप एक उसका सिरप अमेरिका में बना और पूरी दुनिया में कोका कोला एक जाके टेस्ट है, जमहूरियत जो है ना कोई कोका कोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जमहूरियत अब आप देखे ना अमरीका में सदारती जमहूरियत है, वहां का बिल्कुल एक इलेक्ट्रोल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, डेमोक्रेसी है लेकिन जिस तरह प्राइमरीज होते हैं, जिस तरह वहां पे फिर स्टेट के इलेक्शन होते हैं, फिर स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, उनके रोल होते हैं, ये सारा बनते बनते ऊपर तक हुआ आता है। ये निजाम पूरे यूरोप में नहीं है, वहां पे पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, ठीक है, बर्तानिया में एक स्टैंडर्ड पार्लियामानी डेमोक्रेसी भी है और बादशाहत भी है। अब देखें दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, यानी फंक्शनली डेमोक्रेसी भी और बादशाहत भी है। तो एक मॉडल ये है, एक मॉडल अमेरिका का है, इस तरह बाकी मुल्कों में चले जाए हर जगह डिफरेंट मॉडल मिलेंगे। तो डेमोक्रेसी कोका कोला नहीं है, बात यही है। तो इसी तरह बात यह कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन की, अगर तो वो कम्युनिज्म के फरोग के लिए काम कर रही हो तो फिर एक नजरियाती जंग की कैफियत बनती है। लेकिन यहाँ पे लग ही रहा है कि ये बिल लाने का मकसद जहां तक मुझे समझ आ रही है वो, अभी आगे जाके इस बिल का क्या होता है ये बात की बात है, अभी कबल उस वक्त होगा हम ये कहें कि ये फौरी पास हो जाएगा, क्या होगा इसमें कुछ अमेंडमेंट आएंगी या आगे किसकी क्या शेप बनेगी। लेकिन कम से कम ये बड़ी क्लियर बात है इस बिल से, एक चीज तो ये है कि अमेरिका जो, जब हम ये इसको देखते हैं ना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट, जब इसको वर्ड कहेंगे ना स्ट्रेटेजिक, तो कंपटीशन तो हेल्दी कंपटीशन होता है ना। कंपटीशन क्या है, मतलब आप दुनिया में एक पावर के तौर पे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल पावर हैं चाहे इकोनॉमिक पावर हैं, आप वहां पे स्ट्रेटेजिक गेम करने की बजाय आप फेयर गेम करें, वहां पे आए कि जी जो ममालिक हमारे इत्तेहाद में वो ये चीजें होंगी, वो अपने सिस्टम के मुताबिक काम करें, हमारे साथ ये रिलेशन होंगे, हम दुनिया को आगे ले जाने के लिए, ग्लोबल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये किरदार अदा करेंगे एक ग्लोबल लीडर के तौर पे। फिर इकोनॉमी में आ जाए, फिर आप कहें जनाब ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसमें हमारा रोल ये बनता है, आपका ये बनता है, लेट्स हैव ए हेल्दी कंपटीशन, जो इसमें लोगों को अच्छी चीज ऑफर करेगा वो आगे जाए, चाहे वो चीन हो या अमरीका हो या रूस हो या कोई भी हो। लेकिन इस बिल में खासतौर पर जो इसकी स्पिरिट है उसको अगर देखा जाए
तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें भाई कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीटर नहीं चाहिए। मतलब ये कि आप कहते हैं कि आपका कोई मद्दे मुकाबले ना हो, ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। मतलब आप ये कहें कि ये बिल जो है जो पास हम करते हैं, इसका बाकायदा तौर पर उसमें वर्डिंग लिखी हुई है, जिस जो तबसरा हुआ वहां के जो लोग हैं, खासतौर पर जो विल्सन सेंटर है बड़ा मशहूर वहां का, उनके एक एक्सपर्ट ने तो उसको बड़ा वाजे तौर पे कहा कि इस बिल की मंजूरी से दरअसल अमेरिका की एक जो अपनी एक मेंटालिटी वो बड़ी क्लियर हो रही है, और उसमें वो कहते हैं कि हमें ये इंश्योर करना, ये वो कह रहे हैं उनके माहिरीन, कि अमेरिका को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी मध्य मुकाबल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, कि वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के नाम पे हेल्दी कंपटीशन को पीछे रखना चाहते हैं और एक हजारादारी कंपटीशन रखना चाहते हैं जिसमें अमेरिका अकेला, यानी वो जो हमारे मुहावरा नहीं है गलियां उंजन सुनिया ते विच मिर्ज़ा यार पे। हाँ, तो वो जो सूरत हाल है ना, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी अजीब बात है। अब इसमें जब चीन के ऊपर इन्होंने ये सारा पूरा एक फोकस्ड बिल है, इस बिल में जो चीजें उन्होंने कही है उनको अगर थोड़ा सा तजिया करें, मसल ये कि जी सिंकियांग में स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स हैं, वहां पे नस्ल कुशी के सेंटर बनाए गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वहां कंसंट्रेशन सेंटर है जहां पे उनको जबरी मशक्कत कराई जाती है। इस तरह और बहुत सारी चीजें वो अपने यानी तजियों के मुताबिक सामने लाते हैं। और इस पे सर पूरी पूरी इस पे वीडियो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस एविडेंस के साथ जो है वो चीजें सामने आ चुकी हैं कि ऐसी कोई चीज वहां एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन मेरा पूछना भी यही बनता है अभी कि क्यों मुसर है आखिर ये, फिर क्यों बात हम मल्टीलेटरलिज्म की करते आ रहे हैं इतने अरसे से। अमरीका खुद भी ये अब मान गया कि वो दुनिया में तनहा महसूस कर रहा था, फिर वो यूनिलेटरलिज्म की तरफ नहीं जा रही है। देखें वो तनहा जो महसूस कर रहा था वो अपने, उनका फोकस था कि उनके इतिहादी उनके साथ दोबारा आ जाए। इंडो पैसिफिक अलायंस उनके लिए ज्यादा अहम है। अच्छा। उनके लिए यूरोपियन यूनियन से अलायंस अहम है, उनके लिए हर मुल्क को अपने सर पे बिठाना अहम नहीं है, क्योंकि वो उनको तो किसी खाते में नहीं समझते ना। वो हर चीज को स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं। अब आप ये देखेंगे जैसी ये गेम बनाई गई थी, आपको याद होगा जब सद्दाम के खिलाफ इराक पे चढ़ाई होनी थी जी जी, तो क्या कहा गया था कि सद्दाम के पास कीमियाई हथियार है, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी। यानी चीन के खिलाफ भी जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो यही है कि जी जनाब हांगकांग में डेमोक्रेसी नहीं है और ताइवान को अलग होना चाहिए, तिब्बत में ये मसला है, सिंकियांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और नस्ल कशी हो रही है। अब वहां पे यहाँ ये जिक्र करते हैं खासतौर पर मुसलमान पॉपुलेशन का, भाई आप खुद अपने मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहे हो, आप अपने ब्लैक पॉपुलेशन के साथ क्या। ये वो क्वेश्चन है जो अब दुनिया में रेज होना शुरू हुए, पहले इतना नहीं होते थे, अब रेज इसलिए होना शुरू हुआ कि दुनिया ने देख लिया कि चीन ने भी अपने आप को पॉलिटिकली भागे आने, पहले चीन सिर्फ इकोनॉमी और ट्रेड तक रहता था, अब चीन ने थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज जो है, जो पॉलिटिकली यानी नॉन इश्यूज हैं, जो कंट्रोवर्सीज दुनिया में, उनमें अपना किरदार अदा शुरू करना शुरू किया है। तो लोगों ने अब इस पे क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, और फिर दूसरे ट्रैक रिकॉर्ड देखना लोग देखना शुरू हो गए ना, कि आपने पहले सद्दाम को ये कहा कि कीमियाई हथियार है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लीबिया को आपने ये कह के उसको खत्म किया, फिर आपने यही कह के सीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर आप ईरान के खिलाफ शुरू हो गए। लेकिन मीनवाइल दुनिया ने देखा कि ईरान तो कंप्लाई कर रहा, तो यूरोपियन यूनियन ने उनका साथ नहीं दिया, तो इस तरह एक सिचुएशन बदलती गई। फिर चीन का अपना मौकफ है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन में, तो ये जो खदशात हैं या जो इसको हम कह सकते हैं खुद साख्ता एक सिचुएशन क्रिएट करने की बात है, ताकि इसी तरह जो है एक क्रिएट करके सिचुएशन और एक सरजंग दूसरी शुरू की जा सके। तो अब ये कि इससे पूरी एक एक ये जो है एक कैफियत सामने आ रही है, तो वो किसी ना किसी चाहते हैं तरह चाहते हैं कि पनिश किया जाए, जैसे वो है ना एक मेमने को कहा चेरने के भाई आप पानी आपके दादा ने खराब किया होगा, सजा तो मिलेगी। तो वो यानी एजम्पशन बेस्ड जो एक है ना सेल्फ क्रिएटेड एक सिचुएशन उसको लेके, और फिर आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुकाबले में कोई ना आए, इस सोच को लेके ये आगे करना कि चीन या कोई भी इसके मुकाबले में आएगा तो उनको हम काउंटर करेंगे। अब बुनियादी तौर पर अमरीका और को उसके एलाइज के साथ रख के अगर बाकी दुनिया में देखें तो बढ़ती हुई कुर्ते रूस और चीन है, दोनों के खिलाफ बाकायदा तौर पे अब ये बड़ी कैंपेन की सूरत में सामने आ रहे हैं, और वो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि इनको मद्दे मुकाबल के तौर पे एक्सेप्ट ना करें।
अमरीकी माहिरीन तो यहां तक भी कह रहे हैं कि हर सूरत चीन को इक्तसादी तरक्की और आगे बढ़ने और खासतौर पर वो जो कह रहे हैं ना कि उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, बजाय इसको देखने के इन्फ्लुएंस कैसे हुआ। मतलब वो DRI भी उन्होंने कहा, आपने सुना था, सुना होगा, पिछले दिनों हम बात भी करते रहे कि बाइडन साहब ने कहा जी हमें DRI की तरह का मंसूबा शुरू करना चाहिए। भाई आप बिल्कुल शुरू कर दें, दुनिया आपके साथ होगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में वो ये है कि पोस्ट कोविड दुनिया ज्वाइंट एफर्ट्स की मुतकाजी है कि मिलके काम किया जाए ताकि तरक्की के जो सम्राट है वो तमाम लोगों तक पहुंच सके। अब किसी को रोकना, अब तो यही है कि फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक जो फॉरवर्ड पे जा रहा होता खिलाड़ी बॉल को लेके फुटबॉल को, अब उसको रोकने के लिए उसके रास्ते में आप टांग हटा के गिरा दें उसको, तो ये तो फेयर गेम ना हुई ना। बिल्कुल इसी तरह अभी भी ये जो बिल है इसमें बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इसमें आगे जाके बड़ी कंट्रोवर्सीज आएंगी। आप क्या यानी बाकी दुनिया के जो जितने ममालिक इस वक्त चीन के साथ काम कर रहे हैं जो उनके चीन के अलाइज हैं, क्या उन सबकी वो सारी चीजें आप पूरी कर देंगे जो चीन के साथ मिलके वो कर रहे हैं? जी, FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से नासिर महमूद खान आपसे मुखातिब। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हम कदम, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। बात हम कर रहे हैं कि अमरीकी सेनेट की जो फॉरेन रिलेशंस की कमेटी है उसने एक बिल पास किया है और उससे मुतालिक अभी जो बातें की हैं, जो तज्जिया पेश किया डॉक्टर साहब आपने, अब इससे तो मैं एक तालिब इल्म के तौर पे तो यही समझ पाया हूँ कि ये दोहरे मयार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये अपनी मर्जी का मामला है और कोई ऐसी बात नहीं है। देखें बिल्कुल, अगर आप इसको देखें स्ट्रेटजिक कंपटीशन एक्ट जो है ये बेसिकली उन इंटरेस्ट को भी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है जो खुद अमेरिकन जो ट्रेडिशन है उसमें ही रही। मसलन ये आमतौर पे आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, ये जुमला कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जो फिट होगा किसी चीज के लिए वही सर्वाइव करेगा, और ये खासतौर पे ये असूल अपनाया जाता है मार्केट इकोनॉमी के लिए और बाकी भी जगह पे इसको इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक मार्केट है वहां पे वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा उस मार्केट के लिए, वहां की प्रोडक्ट दे रहा होगा, कॉम्पिटेटिव प्राइसेस होंगी, बेनिफिट्स होंगे और उसके साथ, और आजकल खासतौर पर WTO का जो इस वक्त फोकस है उसके मुताबिक कोई भी ट्रेड या डेवलपमेंट का काम जो होगा उसमें जो भी ट्रेड होगा उसको डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाएगा, और ये SDGs की भी कमिटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कमिटमेंट है। तो इसमें जो भी कोई बेहतर सर्विसेज देगा वो सर्वाइव करेगा, लेकिन यहाँ आप इस असूल को मानते नहीं है, यहाँ आप कहते नहीं जी हम सर्वाइव करेंगे, फिट कोई भी हो हमने उसको अड़ंगी डाल के गिराना ही गिराना है मैदान से, और वो ताकि बॉल सिर्फ हमारी कोर्ट में रहे और हम खेलते रहे बॉल को। तो ये जो सोच है मैं समझता हूँ इस बिल में इस हकीकत को भी पसे पुर डाला गया है कि कोविड और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अमरीका और चीन जो इस वक्त उनके पास एक ग्लोबल जिम्मेदारी है, दोनों बड़ी कुवतें हैं। आप देखें ना, अगर आप क्लाइमेट के हवाले से देखें जो क्लाइमेट को इस वक्त गैसेस का खराज है उससे जो नुकसान पहुंच रहा है, चीन और अमरीका बड़े पोल्यूटर्स में शामिल होते हैं। अब इन दोनों की कमिटमेंट्स हैं, अब जाहिर है कि सदर बाइडेन ने भी कहा है कि 30% की जो हम जो अपनी कमिटमेंट्स हैं 50% तक हम अपनी गैस की एमिशन जो है ना वो कम करेंगे ताकि माहौल को कम से कम नुकसान हो। चीन ने भी 2030 तक इसको कैप करने का और आगे 2060 तक कम करने का, क्योंकि कोल और ये सारी जो है इंडस्ट्री चलाने के पोल्यूशन का जो एक अमल है उसके हवाले से देखा जाए तो दोनों मुल्क मिलके काम कर रहे हैं और उनको ये काम आगे भी मिलके करना है। इस सूरत हाल में अगर आप ये देखें तो इसमें दोनों को मिलके चलना है। अब अगर ये बिल आता है तो यकीनन इससे ये जो स्पिरिट कायम हुई है कोविड, जिसमें आप ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस की बात भी है, सप्लाई चेन की बात है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया को वैक्सीन चाहिए, जाहिर है कि चीन इसमें बड़ी हद तक वैक्सीन सप्लाई में मुख्तलिफ मुल्कों को वैक्सीन फराहम कर रहा है, और इस सारे अमल में जितनी रिसर्च हो रही है उससे भी ज्वाइंटली फायदा उठाना है, चाहे वो क्लाइमेट साइंस के शोबे में रिसर्च हो रही है या हेल्थ साइंस में, तो इन सारे तजर्बात और सबको आगे ले जाए। अगर ये बिल इसी तरह पास होता है और इसी तरह पूरी एक कैंपेन की कैफियत जारी रहेगी तो उसमें फिर खदशात ये है कि
अंदरूनी और बैरूनी तौर पे जो इनके मफादात हैं उनको अगर आप देखें तो उसमें इन जो इनकी दो अमली है डबल में आ रहे हैं उससे कहीं ये माहदे या ये जो ताउन की स्पिरिट है इसको नुकसान ना पहुंचे। अगर कोविड और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो इस वक्त दोनों बड़ी ताकतें बड़ी लीडरशिप का रोल अदा करना है जिन्होंने ग्लोबली, अगर इनको इम्पैक्ट हुआ तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो बाकी मफादात या इंटरेस्ट की बात उन्होंने की है ना कि कंपनियों को हम यूं रोकेंगे या वैसे रोकेंगे या इंडो पैसिफिक में अपना कंट्रोल हासिल करेंगे, ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी अगर क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान या जो उसके इम्पैक्ट होने हैं या जो कोविड और पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट है उसको अगर कवर ना किया गया तो दुनिया उस वक्त ज्यादा खसारे में होगी बनिस्बत इन तीन चार चीजों के प्रोटेक्ट करने के। तो इसलिए अभी भी टाइम है कि ये लीडरशिप जो अमरीका की है उसके ऊपर जो ये दबाव आया है इस बिल की सूरत में वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करें, डेमोक्रेट्स को भी आगे लाएं, उन्हें कहें जनाब आप दुनिया के में जो इस वक्त हकायक है बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि चीन के साथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन कम से कम रीजनेबली कम्पिटेटिव एनवायरमेंट क्रिएट करें ताकि उस रीजनेबली कम्पिटेटिव एनवायरमेंट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल भी आए और जो लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें जो ममालिक दुनिया की तरक्की के लिए वो मिलकर काम करें। पर सबसे बड़ा जो चैलेंज जो जैसे मैंने अभी कहा कोविड और मौसमियाती तब्दीली का वो है आलमी इक्तसादी बहरान। अब ये दुनिया अगर हम इन दो मौजूद पे इक्तसादी माहौल को अगर हम ना देखें और इन दो मुल्कों की जो लीडरशिप है वो मैसर नहीं आती दुनिया को और ये फिर उसी तरह ब्लॉक बन जाते हैं सर जंग वाले तो इसमें पूरा नुकसान ना सिर्फ इक्तसादी तौर पे बल्कि पूरे एनवायरमेंट को और हेल्थ गवर्नेंस को जो नुकसान होना है उसे अभी आप देखें कि कितने करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और अगर इसी तरह म्यूटेशन होती रही म्यूटेट करते रहे वायरसेस और कोई ग्लोबल गवर्नेंस का निजाम ना हुआ तो कौन दुनिया को संभालेगा क्या होगा। तो ये बड़ा अहम मौजू है और इस पे तो सर देखें ये जाहिर है कि अमरीकी सेनेट में भी जब ये बिल आएगा जी जी इस पे अमरीकी भी बात करेंगे दोनों तरफ के लोग बात करेंगे बाईपार्टिसन एक सोच सामने आएगी तो उसको इन्हें देखना होगा। जी आप कुछ पूछ रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब देखिए जो बात जो आपने प्रोग्राम के आगाज में भी कही थी ना कि चीन किस तरह से कर रहा है रबते लोगों के साथ और जो अमेरिका है वो किस तरह से कर रहा है। अभी जो क्वाड में शामिल है भारत, भारत भी उस ग्रुप का हिस्सा है। भारत पे गुज़श्ता साल अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी बरामदात पे कि जी कोई ये जो एसेंशियल मटेरियल है जो चाहिए खाम माल ये कोविड की वैक्सीन के लिए उस पे पाबंदी लगा दी थी उसने। अब जबकि वहां पे लाखों केसेस आए तो अब जाके उसने पाबंदी हटा दी है तो ये चीज भारत को भी मेरा ख्याल समझनी चाहिए कि कौन इस खत्ते में या दुनिया में उसके मफादात के लिए बेहतर है। बिल्कुल देखें बात यह है कि ये जो कॉर्ड कॉर्ड का जो केस है ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चार ममालिक जो हैं उनके अपने मफादात अगर इस तरह होंगे तो पूरी दुनिया को किस तरह वो देखेंगे। ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें खासतौर पे अगर देखें इंडिया और अमेरिका के इस वक्त जो इस खत्ते में सिचुएशन है इधर इस खत्ते में चीन है पाकिस्तान है और बाकी और इत्तेहादी ममालिक हैं तो उनको किस तरह मुखासमत में ला के हम खत्ते में अमन कायम कर सकते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसको देखने की जरूरत है। और बहुत अहम बात यह कि अब क्वाड को अगर आप थोड़ा सा देखें उसमें एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वो भी किस लिए इसमें शामिल है क्योंकि आपने देखा कि एक टाइम था चीन और ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड थी वो बड़ी हद तक बहुत आगे थी अभी चीन ने सिर्फ उनके चंद यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रोक किए हैं और उसकी भी रीजन है क्योंकि वो भी इस वजह से रोकी कि उन्होंने भी चीन के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने के लिए अपना एक मौका उठाया खासतौर पर हांगकांग के हवाले से तो चीन को पाबंदियां लगानी पड़ी। इसी तरह अमेरिका का है अमेरिका के साथ चीन का एक सरहदी तनाजा भी आपको पता है और बाकी भी चीजें उनके साथ ऐसी हैं। फिर जापान के साथ भी आपने ये देखा कि जापान और चीन के दरमियान ताल्लुकात जो है वो भी एक थोड़ी सी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कॉर्डियल भी उनकी हर सवाले से आप बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप को उस लेवल पे नहीं देखते तो ये जो अलायंस है बेसिकली ये एंटी चीन अलायंस बनता है। अब आप ये देखें कि किसी एक खत्ते में आप अलायंस बना रहे हैं अगर वो सिंगल कंट्री स्पेसिफिक एंटी अलायंस होगा तो जाहिर है कि इस खत्ते में चीन के अपने भी पार्टनर्स हैं
जो चीन के साथ काम करें इस पूरे बेल्ट पे देख लें, इन चार के अलावा, इन तीन के अमेरिका तो खैर बाहर से है, बाकी दो ममालिक है ना अल्टीमेटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, तीन ममालिक क्वाड में जो एंटी इंडिया होने की वजह से अमेरिका के साथ, एंटी चाइना होने की, चीन तो खुद इस खत्ते में मौजूद है, पूरा आसियान है, बाकी और ममालिक है, मिडिल ईस्ट है, फिर सेंट्रल एशिया है, एक बहुत सारी सिचुएशन, अगर यहाँ पे किसी सूरत भी कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा होती है तो खत्ते में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर है फिर इस अलायंस का ना अमेरिका को फायदा होगा, ना चीन को, ना जापान को, ना इंडिया को, तो बेहतर यह है कि हम इस खत्ते के हवाले से जब सूरत हाल को देखें तो अमेरिका एक ऐसी बैलेंस सोच अपनाए जिससे कि वही बात है कि एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट हो जो किसी एक पावर के हक में ना, बल्कि जो भी उसमें सर्वाइव करे, जो फिट हो उसके लिए हो। और दूसरे नजरियाती बुनियाद पर अगर हम थोड़ा सा और देखें कि अगर इन मुल्कों को वो इस बुनियाद पर देखें कि जी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, आपने देखा कि ट्रंप इंतजामिया तो बाकायदा तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन भी की, पूरा मैनिफेस्टो था, इस बिल का हिस्सा बना दिया उन्होंने जी, अब इस बिल का हिस्सा उन्होंने उसको बनाया, अब इस बिल में अगर ये बिल पास हो जाता तो जाहिर है कि बाकायदा तौर पर एक नई नजरियाती जंग शुरू होगी। अब मैं आपसे जैसे पहले मैंने हवाला तन अर्ज किया था कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नजरियात की बुनियाद पर नहीं होते, अगर नजरियात की बुनियाद पर होते तो चीन के सऊदी अरब के साथ ताल्लुक ना होते, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होते, इसी तरह पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे, क्योंकि हम तो एक अलग निजाम रखते हैं चीन से, और अब हमने खुद देखा पाकिस्तान तो चूंकि सी पैक में भी और अदरवाइज भी चीन के साथ जिस तरह हम काम कर रहे हैं, कभी हमने ये नोट नहीं किया एज ए मीडिया पर्सन भी कि चीन ने कभी कहा हो आप यहाँ पे अपने मुल्क में कम्युनिस्ट निजाम लाए, या चीन ने कभी ये इतराज किया हो कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है ये बिल्कुल गलत है, हमारी जमहूरियत ठीक है। तो जमहूरियत की देखा मुख्तलिफ तरह की एक होती है सूरत हाल, मतलब जैसे हमने अर्ज किया अमरीका में एक सदारती जमहूरी सदारती निजाम है, पूरा एक अलग सिस्टम में अलग है, फिर कहीं मिक्स डेमोक्रेसीज है, कहीं पे इस्लामिक सिस्टम्स हैं। वो तो सर वांग ही ने तो कूजे को समंदर को कूजे में बंद कर दिया ना अपनी स्टेटमेंट से, कहते कि कोका कोला नहीं है। अच्छा चीन का भी जमहूरियत जो है ना, चीन में ऐसा नहीं जमहूरियत नहीं है, उनकी अपनी जमहूरियत है जिसको वो कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, यानी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब अगर अमरीका में देखा जाए तो दो पार्टी निजाम है, सिर्फ दो पार्टी है, ठीक है, चीन में वही एक पार्टी है जो तमाम तबकात की नुमाइंदा पार्टी है और उनके 9 करोड़ से ज्यादा उसके मेंबर है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। फिर उनके पॉलिटिकल सिस्टम में 8 मजीद पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इतने वोट नहीं ले सकती, वो आगे नहीं आ सकती, लेकिन उनकी भी से है, उनको भी बाकायदा तौर पर पॉलिसी मेकिंग जो उनका एक हाइएस्ट इदारा है एडवाइजर्स की काउंसिल, उनमें मेंबरशिप दी जाती है, जो पार्लियामेंट के साथ साथ साल में जब इजलास होते हैं तो वो भी अपने मशवरे देते हैं, उनके तरफ से भी बिल आते हैं जो बाकायदा तौर पे पास होते हैं पार्लियामेंट में, और ये एक पूरा निजाम है, यानी उनकी अपनी डेमोक्रेसी है। अब आप उनको हम कहें जी कि नहीं जी हम तो आपको अपनी डेमोक्रेसी से देखना चाहेंगे, असल मैं आपको बॉटम लाइन में ये अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हम अपनी ऐनक से अपनी नजर से दूसरे को पढ़ना चाहते हैं और अपने नुक्ता नजर से देखना चाहते हैं दूसरा सही है या गलत है। फर्ज क्या है कि हम एक निजाम पे बिलीव करते हैं, हम दूसरे को कहेंगे वो चूंकि हमारे निजाम से बिलीव नहीं करता, हम ये नहीं कहते कि वो हमसे मुख्तलिफ है, हम कहते हैं जी वो गलत है हम सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी यही इशू है चीन और अमरीका के ताल्लुकात में, बिल्कुल बहुत बहुत ये सूरत हाल जो है, नहीं आप सही कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है ये बहरहाल अभी हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा कि ये बिल जो है ये आगे ये ऊंट किस करवट बैठता है, फिर इस पे हम देख सकते हैं और सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का और आपके तज्जिया का, बहुत शुक्रिया जी। लिसनर्स हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे सीनियर तज्जियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, और आज के इस प्रोग्राम से अपने मेजबान नासिर महमूद खान को इजाजत दीजिए, जिंदगी शर्त है और अगर सेहत ने इजाजत दी तो आपसे मेरी मुलाकात होगी कल रात 9:10 पे। अपना ख्याल रखिएगा, जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगे उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। टेक केयर, खुदा पामान। प्रोग्राम में पेश किए गए तज्जिये और आरा मेहमान तज्जियाकारों और माहिरीन के जाती ख्यालात हैं, चैनल का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।